हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग साइकिल के विषय में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट से पता चलता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, और हमारा टर्नओवर कितना है, और हमारा मंथली और एनुअली सोर्सेज ऑफ इनकम अगर टैक्सेस को हटा करके अगर देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकल रही है, और अगर लॉस हो रहा है तो कितना परसेंटेज पे लॉस हो रहा है। तो ये सारी जो है चीज़ें अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ही आती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर रिपोर्टिंग। देखिए, ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, जनरल होता है हमारा, ठीक है। जनरल का मतलब होता है इसमें परचेस होता है, एक्सक्यूशन होता है, एक्सपेंस होता है, पेमेंट, बोरोइंग, सेल, क्लोजिंग, रेवेन्यू रिसीव्ड, बैड डेब्ट, राइट ऑफ और डिविडेंड डिक्लेयर्ड। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो होता है, रॉ मटेरियल को परचेस किया जाता है फिनिश गुड्स के लिए, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को डाला जाता है। प्रोडक्शन के बाद जो फिनिश गुड्स निकलता है उसको सेल किया जाता है। सेल करने के बाद जो है उसमें रेवेन्यू जनरेट होता है, और उससे जो जनरेट होता है प्रॉफिट। तो ये पूरे एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारा देखते हैं इसमें। इसके अलावा जो है, जब ये पूरे प्रोसेस में बैड डेब्ट्स भी जमा होते हैं, जो हमारा वेस्टेज भी सबमिट होती है, यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वेस्टेज भी होता है। तो उस वेस्टेज को कैसे कंट्रोल करना होता है और उसको कैसे रीसेल करना होता है, तो उसके लिए भी अकाउंट डिपार्टमेंट में सारी क्यूरीज जनरेट की जाती है, तभी वो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। जब जनरल के बाद सब सारी पोस्टिंग होती है, उसे कहते हैं लीजर। लीजर में क्या होता है कि किस कस्टमर को कितना पैसा पेमेंट है किया है, कितना पेमेंट बाकी है, और कितना हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट उस फिनिश्ड प्रोडक्शन फिनिश गुड्स में लगा है, यानी कि डिस्पैच होने में जो लगा है उसके ऑर्डर के बिहाफ पे वो देखा जाता है। तो उसमें ये हमें पता चलता है कि किसने कितना पेमेंट दिया है और कितना पेमेंट हमें रिसीव हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा लेज़र होता है, देखिए ट्रायल बैलेंस जो लेज़र होता है, लेज़र हमारा करेक्शंस के लिए होता है, यानी कि इसमें कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है कि उसने कितना पैसा किस पेमेंट को किस डेट को दिया, NEFT से दिया, RTGS से दिया, कि चेक से दिया, कि कैश दिया, किस प्रकार से दिया, वो हमारे लेज़र में मेंटेन होता है किस डेट को दिया। अगर हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, यहाँ पे टेम्परेरी एडजस्टमेंट अकाउंट्स होता है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस चेक करता है टोटल डेब्ट्स इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। इन केस ऑफ मिसमैच टेम्परेरी एडजस्टमेंट अकाउंट्स आर क्रिएटेड, लेजर्स आर देन करेक्टेड। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ डिफॉल्ट हो रहा है या कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर को चेक करते हैं। तो लेजर से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो कहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम बात करते हैं जब ट्रायल बैलेंस के बाद फिर आता है फाइनेंशियल पोजीशन, हमें बताता है, उससे कहते हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह सारी मेंटेन होती है। ये क्या होता है कि जो बाकी तीन प्रोसेस हो चुके होते हैं, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसका क्या होता है, ये रिजल्टेंट होता है। तो ये क्या होता है कि चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी किस प्रकार से चेंज हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस जनरेट हो रहा है। रिटेन्ड अर्निंग्स, हमें कितना अर्निंग हम जनरेट हो पा रहे हैं, यानी कि हमारे पास कितना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो पा रही है। इनकम स्टेटमेंट, और इनकम आ रही है वो किस सोर्स से हमारे पास इनकम आ रही है। बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है कि कंपनी की बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि कितना कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो ये होती है अकाउंटिंग साइकिल, जिसके कारण हमें पता चल पाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है कि लॉस में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए।